तमिलनाडु से जुड़े फेक वीडियो और अफवाह फैलाने वालों पर बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गलत खबर और अफवाह फैलाने वालों पर बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस का मानना है कि इस तरह गलत तथ्यों के साथ जोड़कर खबर देने से आमजनों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। वहां काम कर रहे प्रवासी मजदूरों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। इस मामले में बिहार के जमुई से एक को गिरफ्तार किया गया है। आर्थिक अपराध शाखा ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार पुलिस ने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और जीमेल को भी नोटिस देकर 42 वीडियो जांच के लिए सुरक्षित रखने को कहा है। सोशल मीडिया पर हिंसात्मक वीडियो वायरल हुआ था, अब इसे लेकर बिहार पुलिस एक्शन में आ गई है। बिहार पुलिस ने तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले के दावे के साथ सोशल मीडिया पर ये वीडियो पोस्ट करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बिहार पुलिस ने इसे लेकर बयान जारी किया है। बिहार पुलिस की ओर से यह बताया गया है कि आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले में जो 4 लोग चिन्हित किए गए थे उनके नाम अमन कुमार, राकेश तिवारी, युवराज सिंह राजपूत और मनीष कश्यप हैं। अमन कुमार जमुई जिले के लक्ष्मीपुर का निवासी है। पुलिस ने कहा कि किसी भी भ्रामक, असत्य और झूठे वीडियो पर विश्वास नहीं करें तथा इनको फॉरवर्ड या शेयर भी नहीं किया जाए। ऐसे वीडियो बनाने या उनका प्रचार प्रसार करने से लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं तथा आपसी वैमनस्य एवं उन्माद उत्पन्न हो सकता है, जो कि कानूनन अपराध है। पद्मलाल पवन कुमार, मेन रोड गढ़वा। हमारे यहाँ नए डिजाइन की साड़ियाँ, सूट पीस, लहंगा, सूटिंग शर्टिंग, कपड़ों का विशाल संग्रह, शादी विवाह के कपड़ों के लिए उत्तम प्रतिष्ठान, बड़े शहरों में मिलने वाले कपड़े अप्पाय गढ़वा शहर में। खरीदारी के लिए आपका स्वागत है।